हर साइट पर अलग अलग प्रकार के हॉट वर्क किए जाते हैं, जैसे वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग वगैरह। इस तरह के काम में हीट और स्पार्क पैदा होते हैं, जिससे आग लगने का खतरा होता है। इन स्पार्क को आगे फैलने से रोकने और उस एरिया की निगरानी यानी मॉनिटरिंग करने के लिए फायर वॉच को हॉट वर्क की जगह पर स्टैंड बाई रखा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको फायर वॉचर्स क्या होता है और फायर वॉचर्स की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको वो थ्योरी नहीं बताने वाला जो आपने कई जगह पढ़ी या सुनी होगी। मैं आपको रियलिस्टिक और ग्राउंड बेस के आधार पर फायर वॉचर्स की जो ड्यूटीज़ होती है वो बताऊँगा। और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये वीडियो को पूरा देखने के बाद फायर वॉचर्स से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको फायर वॉचर क्या होता है इसके डिफिनेशन को बता देता हूँ। वह व्यक्ति जो हॉट वर्क परमिट में लिखे गए प्रिकॉशंस के अनुसार ओपन फ्लेम हॉट वर्क की निरंतर मॉनिटरिंग करता है, उसे फायर वॉचर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओपन फ्लेम हॉट वर्क से मतलब ये है कि जिस काम में ओपन फ्लेम यानी चिंगारी या स्पार्क पैदा होता हो और जिससे आग लगने या विस्फोट होने का खतरा हो। जैसी भी इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के काम के दौरान बहुत प्रकार के हॉट वर्क किए जाते हैं, जिसकी निगरानी के लिए फायर वॉचर्स की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फायर वॉचर की जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके स्टेप्स में बता देता हूँ। फायर वॉच की जो सबसे मेन ड्यूटी ये होती है कि जब हॉट वर्क स्टार्ट हो जाए तो हॉट वर्क करने वाले व्यक्ति के काम और आसपास के कंडीशन को लगातार मॉनिटर करता रहे। फायर वॉचर को ये ध्यान रखना होता है कि हॉट वर्क से पैदा हो रही चिंगारी या गर्मी से आसपास कहीं आग ना फैलने पाए। अगली ड्यूटी, फायर वॉचर को काम शुरू होने से पहले फायर ब्लैंकेट का बना एक सेफ्टी बूथ को बनाने में क्रू की मदद करना होता है, ताकि हॉट वर्क के दौरान चिंगारियों को बाहर निकलने से रोका जा सके। ये भी फायर वॉचर्स की एक ड्यूटी में शामिल होता है। फायर वॉचर को ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस जगह पर हॉट वर्क स्टार्ट होने वाला हो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जलने वाला सामान यानी कंबस्टिबल मटेरियल्स ना रखा हो, जैसे कोई कागज़, स्काफोल्डिंग का वुडन बोर्ड्स वगैरह। अगर इस प्रकार का मटेरियल मौजूद होता है तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए, और अगर हटाना पॉसिबल ना हो तो फायर ब्लैंकेट से अच्छी तरह ढक देना चाहिए। इसको इंश्योर करना फायर वॉचर्स की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई ओपन फ्लेम हॉट वर्क का काम जैसे वेल्डिंग, गैस कटिंग वगैरह चल रहा हो तो फायर वॉचर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेल्डिंग बूथ के किसी सिरे से कोई भी चिंगारी बाहर ना निकले। फायर ब्लैंकेट को सही से इनक्लोज किया हुआ होना चाहिए। फायर वॉचर की जो अगली ड्यूटी होती है वो ये है कि किसी को चोट लगने पर, आग लगने पर या गैस लीक होने पर या किसी और इमरजेंसी में फायर वॉचर को हॉट वर्क का जो इक्विपमेंट है उसको बंद करना होता है। हॉट वर्क करने वाले और उसमें शामिल जो है व्यक्ति को अलर्ट करने के बाद कंडीशन के हिसाब से रिस्पॉन्स भी करना होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर अगर हॉट वर्क चल रहा हो और अगर आप वहाँ पर फायर वॉच हैं तो आप सबसे पहले उस काम को बंद करवाएंगे, उसके बाद वहाँ पर जो भी जितने भी उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं उसको बंद करेंगे, उसके बाद आप काम करने वाले जो व्यक्ति साथ में जो वर्कर्स हैं उनको जो अलर्ट करेंगे कि ऐसी इमरजेंसी हो गई है, आप उन्हें असेंबली पॉइंट में भेजेंगे और अगर ज़रूरत के हिसाब से आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स को कॉल करना होगा। अब अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। फायर वॉच को फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि कोई छोटी आग लगने की स्थिति में वह इसे बुझा सकता है। फायर वॉचर को एलियल मॉनिटर को देखने भी आना चाहिए, जिसकी उन्हें अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि अगर ज़रूरी हो तो फ्लेमेबल गैस और वेपर की एटमोस्फेरिक मॉनिटरिंग की जा सके। फायर वॉचर को किसी भी आग लगने के कंडीशन में इमरजेंसी प्रोसीजर का पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि आग और विस्फोट के मामले में किस प्रकार से रिस्पॉन्स करना है। उसको जो नियरेस्ट असेंबली पॉइंट और मैनुअल कॉल पॉइंट के लोकेशन का पता होना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, एरिया या प्लांट के नाम और इक्विपमेंट नंबर के साथ एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि ज़रूरत होने पर रेस्क्यू सर्विस को सही से कम्युनिकेट कर सके। इसलिए फायर वॉचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई हॉट वर्क पर वो स्टैंड बाई है उस जगह का लोकेशन इक्विपमेंट नंबर के साथ एग्जैक्ट लोकेशन उसको पता होना चाहिए, लोकेशन के बारे में वो परमिट में आराम से देख सकता है।
फायर वॉचर्स की जो अगली ड्यूटी है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हॉट वर्क ख़त्म होने के 30 मिनट तक फायर वॉचर्स को हॉट वर्क एरिया की निगरानी यानी मॉनिटरिंग करनी होती है क्रू के जाने के बाद भी, ताकि वहाँ पर कोई हीट या चिंगारी पूरी तरह ठंडी हो जाए और आग लगने का कोई चांस ना रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर हॉट वर्क किया गया होता है वहाँ पर हीट या इग्निशन के कारण वो दोबारा इग्नाइट हो जाता है, इसलिए 30 मिनट तक फायर वॉचर्स को उसकी निगरानी करनी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली ड्यूटी में फायर वॉच को उसकी ड्यूटीज़ के अलावा कोई और काम नहीं करना चाहिए, और जब तक हॉट वर्क चल रहा हो तब तक उस जगह को छोड़ना नहीं होता है, आपको स्टैंड बाय ही रहना होता है। अगर किसी कारणवश आपको अगर उस जगह को छोड़ना है तो उस तो आपकी जगह पर कोई और फायर वॉच को असाइन किया जाना चाहिए, ताकि हॉट वर्क को सही से कंटिन्यू किया जा सके। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हॉट वर्क को बंद किया जाना चाहिए, उसके बाद ही फायर वॉच को वहाँ से मूव होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर की लापरवाही एक बड़े फायर एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। दोस्तों, फायर वॉच के जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है। जो ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो साइट पर एक्चुअल में करना होता है, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि थ्योरी में आपको इस तरह की ड्यूटीज़ को नहीं बताया जाएगा। जो ग्राउंड जो रियलिटी है, जो ग्राउंड पे आपको करना होता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया है। साइट पर जाने के बाद आपको इसे करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर से ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।